तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का, और आज वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पढ़ने से पहले मैंने इसके पिछले वीडियो में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बताया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिए। वैसे एक्स वाई ग्राफ जो होता है उसको मैंने उसमें डिटेल में बताया था, इसमें सिंपली शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है एक ग्राफ जिसमें हम लोग सारे जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिछले वाला जो वीडियो था उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किए थे, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, ठीक है, और जो वाई एक्सिस रहेगा उसमें हम लोग वेलोसिटी को लेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल इसके पिछले वीडियो में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, ओके। तो मान लेते हैं आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ये जो है 10, 20, 30, 40 ये है वेलोसिटी दिया हुआ मीटर पर सेकंड में, ओके। और जो नीचे जो एक्स एक्सिस पे है वो टाइम दिया हुआ है आवर में, ओके। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दोनों दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, वेलोसिटी दिया हुआ है आपका वाई एक्सिस पे। अब है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ओके। तो उसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब कि टाइम एक्सिस पे पैरेलल रहेगा। अब यहाँ पे आप खुद देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 40 की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार चल रही है, ठीक है, उसी का मान लेते हैं ये ग्राफ है। उसका वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो क्या होगा। तो देखिए 40 पे यहाँ पे है, अब जो स्टार्टिंग था वहां पे भी 40 था, अब जो पहला आवर बीता वहां पे भी 40 ही का स्पीड रहेगा, दूसरा आवर 40, तीसरा, तो इस तरह का हम डॉट डॉट लगाते चले और फिर जो लाइन मिला है तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होगा किसी ऑब्जेक्ट का उसको अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि टाइम एक्सिस जो रहेगा, जो बॉटम में जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल में स्ट्रेट लाइन में ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। इसमें से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ उसमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और टाइम होता है उसी को ना डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने बताया जो फॉर्मूला होता है एस इजिकल टू वी क्रॉस टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ बना, मान लेते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए तो इसके नीचे जो एरिया जो ये बन रहा है एक्स एक्सिस पे, यहां से जैसे पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ए हो गया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, ठीक है। और जो ये एरिया इनक्लोज हो रहा है शेडेड पोर्शन जो है स्काई ब्लू कलर का जो है, इसका जो एरिया निकालेंगे वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो हो गया वो तो हमारा वाई एक्सिस से बता रहा है, मतलब कि जो बी डी जो है यहाँ पे ये वाला जो ये वेलोसिटी बता रहा है, यहाँ इस केस में 40 हो गया, ठीक है। और जो ए बी होगा ये हमारा टाइम होगा, ठीक है। तो ए और बी का हम टाइम निकाल लेंगे, 4 है, 4 आवर है बी पे, और जो एक पॉइंट है उस पे हम लोग मान के चलते हैं ये थोड़ा सा ज्यादा है 1.25 है, तो इसको जो माइनस कर लेंगे तो वो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो टाइम यहाँ पे हमें इस एक्सिस पे यहाँ पे निकल गया ए बी से, और बी डी से हमारा निकल गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि इस पोर्शन का जो एरिया निकालेंगे उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक करके देख लेते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे जो कार मूव की पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी यहां तक हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके। तो टाइम ट्रेवल कितना हो गया, टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम है बी पॉइंट पर टाइम है इसको टी टू मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे मान लिया टी टू, और जो स्टार्टिंग टाइम था उसको टी वन लेके चला, तो इनिशियल टाइम टी वन, फाइनल टाइम टी टू, तो टी टू माइनस टी वन कर लेंगे तो हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा, ओके। अब हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो ए सी इंटू सी डी, ए सी मतलब की हो गया ये वाला चीज, और सी डी मतलब की हो गया ये वाला, इस स्क्वायर इस रेक्टेंगल का हम लोग जो एरिया निकालेंगे वही निकाल रहे हैं, साइड मतलब की लेंथ इंटू ब्रेथ कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं, तो ए सी इंटू सी डी कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जो एरिया अगर निकालेंगे तो वो हमारा निकल जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब ए सी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं,
एसी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है सीडी ये वाला बेस वाला वो T2 - T1 है, T2 ये पोर्शन हो गया, T1 ये हो गया, जो भी होगा इसका, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आ जाएगा, ये ए बी सी डी एरिया रेक्टेंगल निकल जाएगा, शेडेड पार्ट जो है वही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग अब जानेंगे। अभी तक तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होगा उसको हम लोग कैसे डालेंगे। ओके, यहाँ पे अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए इसी ग्राफ को, इसी जो डाटा दिया हुआ है ये वाला डाटा, इसको ही ग्राफ पे प्लॉट किया। अब यहाँ पे सिर्फ आप पहला कॉलम और दूसरा कॉलम देखिएगा, क्योंकि जो दोनों, जो दूसरा और तीसरा कॉलम है ये दोनों, ये वेलोसिटी ही दिखाया है, कन्वर्ट कर दिया है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ये सेम डाटा है लेकिन ये यूनिट कन्वर्टेड है। ओके, तो हमें जो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं इसमें हम लोग यूनिट ले रहे हैं मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो टाइम का सेकंड ये वाला डाटा ले रहे हैं और मीटर पर सेकंड ये वाला डाटा ले रहे हैं। ओके, तो बस हम लोग को इसी दोनों पे ध्यान देना है, इसको अभी के लिए इग्नोर करना है। टाइम पीरियड, अब जीरो टाइम पीरियड पे कहां थी वेलोसिटी, जीरो टाइम पीरियड पे वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, तो यहां पे जीरो पॉइंट को प्लॉट कर दिया। ओके, अब टाइम पीरियड बीचा 5 सेकंड, 5 सेकंड हुआ तो कितनी इसकी वेलोसिटी है, तो 9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 5 सेकंड यहां हुआ तो ये 9 पे लगाया, 10 ये ऊपर वाला हो गया, उसके नीचे वाला जो पॉइंट हो गया यहाँ पे डॉट लगा दिया। ओके, उसी तरह जब 10 सेकंड बीता तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 18 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड जब यहाँ पे बीता, यहाँ पे 10 सेकंड और यहाँ पे 20 के नीचे यहाँ पे 18 है, ठीक है, ये दो दो का बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 है, इसके बाद 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर ये 20। ओके, तो यहाँ पे हमारा 18 आ रहा है, मतलब कि 10 सेकंड पे 18 आ रहा है, तो 10 सेकंड में मैंने 18 कर दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद 15 सेकंड पे 27 है, उसी तरह से 15 सेकंड जब हुआ तो यहाँ पे उठाए ऊपर और ये 15 पे ये वाला 27 पॉइंट यहाँ पे लगा दिए। उसी तरह से 20 पे दिया हुआ है 36, ठीक है, तो 20 पे 36 मीटर की इसने वेलोसिटी, 36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसके वेलोसिटी, इसी तरह सारा डॉट मैंने लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद इसको लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। तो याद कीजिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें जो वेलोसिटी निकाला था वो स्ट्रेट लाइन हुआ था यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कि हर इंटरवल का जो डिफरेंस निकालेंगे वेलोसिटी का वो सेम आएगा, एक्सेलरेशन सेम है सब में, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो जब ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से फॉर्म होता है तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा तो क्या होगा, तो वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन को, वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, ये अंतर हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अभी पहले मैंने बताया कि इसके नीचे का जो शेडेड पोर्शन अगर का एरिया अगर हम लोग निकाल देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो भी ग्राफ रहेगा उसके नीचे में एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है, उससे अगर हम लोग एरिया निकाल देते हैं उसका बेस लेके, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई होगा। अब देखिए यहां से है हमें इस ए पोजीशन से ई पोजीशन के बीच का हमें निकालना है कितना, ये जो ऑब्जेक्ट मूव किया इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से, तो इस बीच में ए से पॉइंट ई के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट इसके द्वारा ट्रेवल्ड हुआ, ठीक है। तो ए और ई के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे टाइम एक्सिस पे, और ये जो शेडेड पोर्शन बन गया इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। ए बी, ए हो गया, बी सी डी ई, ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें एक ट्रायंगल भी है और एक यहाँ पे स्क्वायर भी है, या रेक्टेंगल है और ऊपर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी ये वाला का एरिया निकाल देंगे, और इस ट्रायंगल का ए डी ई, इस ट्रायंगल दोनों का एरिया, ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा पूरा एरिया निकल जाएगा, तो वही हमने किया यहाँ पे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ऊपर वाला। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सिंपल सा है, ए बी इंटू बी सी कर देंगे, ए बी इंटू बी सी, ये लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, तो ए बी का जो वैल्यू होगा
जो AB का वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यू ले लिया इसका 18 है, ठीक है, AB का वैल्यू 18, BC का वैल्यू 10, ठीक है, यहाँ पे BC का वैल्यू यहाँ पे 10 से 20 का ट्रेवल किया था, तो BC का वैल्यू 10 हो गया, माइनस कर लेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ गया। उसी तरह से आप ट्राइंगल का एरिया का बात करेंगे, तो हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ AD इंटू DC, AD इंटू DE, ठीक है, तो AD जो हो जाएगा अगेन 10 हो जाएगा, टाइम पीरियड को बता रहा है यहाँ पे, D पे वैल्यू है 20, A पे वैल्यू है 10, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ गया, और DE, ठीक है, DE ये वाला पोर्शन का जो वैल्यू है यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जा रहा है 36, और यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है हमारा 18, पिछले वाला से डाटा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 18 और 36, ठीक है, इसी है ना 10 से 20 वाला, ये वाला पोर्शन कहीं ना पूछ रहा है, 10 वाला पूछा है और 20 वाला पूछा है, ठीक है, तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे जो ई पोर्शन है उसका 18, यहाँ पे 36 वैल्यू है और यहाँ पे 18 वैल्यू है, तो 36 माइनस 18 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 18, तो यहाँ पे 18 डीई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 180 इंटू 90 और टोटल आ जाएगा 1620 मीटर, मतलब कि 1.62 किलोमीटर का इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया इस से डिसीजन पे। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का जो ग्राफ दिया हुआ है उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, सेम ग्राफ पे अब इसी दूरी के बीच में एक्सीलरेशन कितना था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन बॉडी है लेकिन एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम ग्राफ है, अब यहाँ पे इसी के बीच में हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ चुका है, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, डीई, डीई हो गया ये वाला वेलोसिटी, यहां से यहां तक का वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी लेंगे अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम होगा एडी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, यहां पे लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अगेन 36 माइनस 18 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 36 वैल्यू, यहाँ पे 18 वैल्यू, इस दोनों माइनस कर देंगे और चेंज इन टाइम लेंगे, ए से डी तक में टाइम 20 से 10 का डिफरेंस वैल्यू, 20 सेकंड माइनस 10 सेकंड, सॉल्व करेंगे 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का भी प्राप्त हो सकता है। एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी ले लेंगे और टाइम ले लेंगे, डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपली यहाँ पे हम लोग नीचे का एरिया लेते हैं, तो ध्यान रखना है दोनों में, हम लोग को दोनों पूछ सकता है ग्राफ देख के, तो दोनों कैसे सॉल्व होगा ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन को होता है कि धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते जा रही है, कोई डी एक्सेलरेटेड बॉडी है, मान लीजिए कि कोई बस जा रही है 100 की स्पीड में, अब उसमें धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है, कुछ दूरी जाके उसमें धीरे धीरे ब्रेक लगा और वह जाके स्टॉप हो गई बस, तो इसको एक्सेलरेटेड बॉडी का डी एक्सेलरेटेड बॉडी कह सकते, या निगेटिव एक्सेलरेशन इसमें होगा, तो जब निगेटिव एक्सेलरेशन बॉडी होगा तो इसका ग्राफ देखिए इस तरह से प्लॉट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इनिशियल स्टेज में जब टाइम स्टार्ट हुआ वहां पे तो कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, उसके बाद धीरे 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 टाइम के साथ 6 सेकंड तक आते आते इसके धीरे धीरे वेलोसिटी गिरते चली गई, गिरते गिरते 6 सेकंड पे ये जीरो हो गया, मतलब कि बॉडी एट रेस्ट हो गया, ठीक है, रेस्ट पे, रेस्ट पोजिशन पे पहुंच गया, रुक गई बॉडी, तो इस तरह का जो ग्राफ आएगा डाउनफॉल वाला ग्राफ रहेगा, तो इस तरह का ग्राफ को हम लोग डी एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए लेकिन, ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ होगा उसको डी एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, वही जो इस तरह का इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो ग्राफ होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन, और ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो ग्राफ है उसको डी एक्सेलरेटेड मोशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक और ग्राफ हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक जिगजैग टाइप का अगर कोई ग्राफ आ गया, कहीं ऊपर जा रहा कहीं नीचे आ रहा, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी, कभी वेलोसिटी बढ़ जा रही, कभी एक्सेलरेशन हो जा रहा, कभी डी एक्सेलरेशन, इसलिए वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरह का जिगजैग टाइप का ग्राफ है, तो उस तरह का रिप्रेजेंट यहाँ पे इस तरह से करेंगे, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम, यूनिफॉर्म वेरिएशन इसमें वेलोसिटी का नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है, तो इस तरह से इसमें निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर स्ट्रेट लाइन आता है, इस तरह का ग्राफ फॉर्म होता है, तो उसके द्वारा देख के आप ग्राफ को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का ग्राफ है, मान लीजिए कि टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक ठो इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो व्हेन एन स्पीड टाइम ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी रहेगा,
तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो वेलोसिटी तो यहाँ पे मान लीजिए जो भी रहे, मान लीजिए 15 है, ठीक है, तो 15 के स्पीड से ये बढ़ते जा रही है, ठीक है, टाइम तो चेंज, टाइम आगे बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रही है। अगर स्पीड दिया तो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी डायग्राफ। वेलोसिटी डायग्राफ के नीचे का जो एरिया जो होता है उसको अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो उससे हम लोग क्या क्वांटिटी निकलता है। जैसे कि वेलोसिटी डायग्राफ है, इसके नीचे का जो एरिया निकालते हैं, जैसे मैं ये शेड कर दे रहा हूँ ये पोर्शन, ठीक है, ठीक है, इस ग्राफ से नीचे में जो ये एरिया निकलेगा, ये एरिया हमें क्या देगा, ये हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो नीचे का जो एरिया होता है वो हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट इज द क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में के नीचे का जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट का डाटा देता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।